योगी साहब एक बात याद रखिए, आज सत्ता आपके पास है, कल हमारे पास भी आ सकती है, उसका ख्याल रखिएगा जरूर, क्योंकि कल जब सत्ता हमारे पास हो तो हमें पता है फिर आप जैसे लोगों के साथ हमें क्या करना है। लेकिन उसमें भी एक बात हम जरूर बता देते हैं, अगर उसमें कल हमें आपके साथ दुश्मनी करनी भी हो, हमें आपसे बदला लेना भी हो, लेकिन हम आपकी बहनों को, आपकी बीवियों को, आपके बुजुर्गों को, आपके भाइयों की इज्जत एहतराम करेंगे, क्योंकि ये मेरा इस्लाम कहता है। हम आपकी तरह नहीं हैं जो आप इस नशास्ता परवीन के साथ कर रहे हैं, जिसके पति को मरवा दिया आपने, जिसके देवर को मरवा दिया आपने, जिसके बेटे का इनकाउंटर करवा दिया, जिसके मकान उड़ा दिए आपने, जिसकी प्रॉपर्टी आपने छीन ली, जिसके बेटे आज भी 4 जेलों में हैं, जो जिसका पूरा रिश्तेदार, पूरा खानदान, पूरे घर बंद करके भाग चुका है, वो शास्ता परवीन जो इस टाइम दुखी है, जो इस टाइम तकलीफ में है, वो हमारी बहन, आप उसको जिस तरीके के साथ ढूंढ